मेरा तो मैं विशेष रूप से मैं पूजा के लिए आया हूँ ये पहाड़ी माता का मंदिर में, तो मेरा भी बहुत वहाँ पर काम है, तो मैं तो आज वापस जा रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी मैडम यहाँ पर है, वो उनका राज्य है, इसलिए वो तो अपना विजिट करेगा, लेकिन मेरा अपना प्रोग्राम ये पूजा के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर स्पेशली। स्पेशली जो आपने नेशनल हाईवे 10 का जो बात किया, इसमें अभी जो समस्या आया है जो लैंडस्लाइड के कारण जो नेचर कैलमिटीज का अभी बंद है बहुत दिन से, तो इसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान तो सिक्किम राज्य को होता है, क्योंकि सिक्किम राज्य ऐसे होके जाता है। अभी सोशल इम्पैक्ट भी होता है, टोटली फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ से ये रास्ता बंद होने के कारण जितना भी सिक्किम का जितना भी गुड्स कैरियर व्हीकल्स है, जो भी खाद्यान्न पदार्थ जो लेने वाला जो भी गाड़ी है, वो बहुत बहुत घूम के जा रहा है ना, और पैसेंजर व्हीकल भी अभी यहाँ पर आने के लिए या सिलगढ़ी से सिक्किम पहुँचने के 8 घंटा 9 घंटा लग रहा है। तो ऑब्वियसली इनका जो चार्ज है, जो रेट है, जो भाड़ा है, वो भाड़ा तो बहुत बढ़ गया ना, इसलिए सिक्किम के लिए बहुत मतलब दुख का बात है। तो मैंने भी केंद्र सरकार से बात किया है, अभी काम हो रहा है, तो मैंने पहला ही केंद्र सरकार का माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं अल्टरनेटिव हाईवे के लिए, अभी तो बन चुका है जो लावा का है, उससे भी छोटा रास्ता है जो लावा हो के वहाँ से या काली जोड़ा से लेकर एक उनका अल्टरनेटिव मैंने दिया है, मैंने डिमांड किया है सिक्किम में जनता की तरफ से। मैं हाँ बहुत सारे क्षति हुआ ना, मेरा चार जिला है, चार जिला में हर जगह में मतलब क्षति हुआ है। मैंने हाई लेवल मीटिंग बुला के मैंने सब डीसी को, मैं जिलापाल को मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया कि जो भी क्षति है वो क्षति को हम लोग ने तुरंत जल्द से जल्द हम लोग उनको पूर्ति करना है, पूरा उनको हम लोग राहत देना है, हम लोग राहत दे रहे हैं।